सेंसिटिविटी की बात करते हैं और साथ में अहिंसा का भी आपने एक कुछ वीडियो भी आपने देखना शुरू किया है, तो अहिंसा का आप बात करते हैं कि हर लेवल पे अहिंसा अगर रहे, जैसे कि किसी को फोर्स ना की जाए कोई चीज, तो वहां पे एक चीज ये आती है कि अगर कोई चीज सडन हो रही है हमारे साथ, जैसे कि अभी मतलब जैसे सॉन्ग एकदम से चल गया या किसी का मन कर गया गाना गाने का, अभी किसी का नहीं सुनने का मन है या मतलब एक, लेकिन उसमें भी ठीक है, बट कई बार एक कुछ ऐसी चीज हो जाती है जिसमें लगता है यार ये तो एकदम ही मतलब कुछ अपने को ईज नहीं है, अनईजी कोई चीज है, तो उसको किस तरह से अस्तित्व का हिस्सा मान के चले, क्योंकि कुछ लगता है ये तो एकदम ही, तो इसको भी उसी तरह एंजॉय करा जा सकता है क्या? करा जा सकता है, अस्तित्व का ही, जो भी हमारे मन माफिक नहीं हो रहा है वो अस्तित्व का ही हिस्सा है। आप सड़क पे निकलते हैं, गाड़ियों का शोर है, हॉर्न है, कोई डॉग बार्किंग कर रहा है, कुत्ता भौंक रहा है, कुछ भी हो रहा है, हम क्या कर सकते हैं? आप इरिटेट होइए तो वो एबनॉर्मेलिटी में कन्वर्ट हो जाएगा, अरे भाई इतना हॉर्न क्यों बजाते हो, फिर कुत्तों से लड़ाई लड़िए, बेवक भौंक दिया तूने, भौंका भौंका उसकी मर्जी, हमने देखा चले गए। जनरली हम ऐसे में नहीं उलझते, आंधी आई, तूफान आया, बिजली कड़की, तमाम चीजें असमय होती हैं, बेमौके होती हैं, कोई हम कुछ चीजों की एक्सेप्टेबिलिटी बना लेते हैं कि इसमें हम कुछ कर नहीं सकते, बिजली कड़के बादल गरजे तो हम कुछ कर नहीं सकते, हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, कोई आदमी कड़के गरजे तो हम सोचते हैं इसमें कुछ कर सकते हैं तो हमें प्रॉब्लम होती है, हम उसको भी अगर वैसे ही देखें कि इसके भीतर भी कौंद गई होगी, गरज गई होगी, तो अपने को क्या लेना देना, गरजते रहो, आप अपना काम करिए, तो आपके लिए बैकग्राउंड उसकी तरह हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अचानक तमाम चीजें अचानक होती हैं, हमारे मन से नहीं होती हैं। हमारा मन क्या है? हमारा मन, हमने रास्ता बनाई है ना, हम अपने रास्ते से चलेंगे। परेशानी अक्सर लोगों को तब होती है जब उनका अपना ही कोई फोकस नहीं होता, जब अपनी जिंदगी का ही उनका कोई फोकस नहीं है तो उनको हर चीज परेशान करती है, क्योंकि उनको समझ में ही नहीं आता कि फोकस है कहाँ, हर फोकस गड़बड़ होता है। आप कभी देख, कोई काम आप कर रहे हैं बहुत प्रिसीजन में, बहुत फोकस्ड हैं, तो आप डिस्टर्ब नहीं होते, घर में बच्चे हैं, शोर मचा रहे हैं, बगल के मंदिर में लाउड स्पीकर लगा, कोई भजन कर रहा है, सब काम चल रहा है, कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि हम अपने काम में इतने फोकस्ड हैं। अब हम जाकर उसे लड़ाई लड़ें कि तुम बंद करो, बच्चों को कितना समझाएं, बच्चे समझते नहीं, तमाम चीज़ें। तो इसलिए एक एक्सेप्टेंस और अपने ऊपर फोकस्ड रहिए, अपना काम करे तो प्रॉब्लम नहीं होती। अहिंसा की बात मैं करता हूँ, अहिंसा बहुत तलों पर है, अहिंसा तो एक एटीट्यूड है। ऐसे सबसे अभी आजकल के परिदृश्य में मैं अहिंसा कहता हूँ कि अगर हमको पशु और इंसान के बीच चुनाव करना हो तो इंसान का चुनाव करेंगे, वो अहिंसा का तल है। पशु जाता है तो हम जाने देंगे उसको, हम ये नहीं कहेंगे कि पशु को बचाने के लिए हम चार इंसान की कुर्बानी दे देंगे, ऐसा नहीं करेंगे, अहिंसा का वो तल है। और फिर जीना है तो जीने के लिए एक निश्चित हिंसा करनी पड़ती है, ये प्रकृति का नियम है। अगर कोई इतना इतना सिनिकल हो जाए कि हम बिल्कुल भी हिंसा नहीं करेंगे तो फिर वो तो पंच तत्व में विलीन होके ही अहिंसा में जाएगा पूरी तरह, ये प्रैक्टिकल चीज है। तो इसलिए चीजों को हमेशा बहुत प्रैक्टिकल वे में समझिए। अहिंसा एक एटीट्यूड है, जानबूझकर किसी को आहत ना करने की एक हमारी अवेयरनेस है, और जानबूझकर आहत ना होने का हमारा चुनाव है। हम आहत नहीं होते हैं, कई बार लोग जानबूझकर आहत होते हैं, आप देखिए कई लोग इशारों में ही आहत हो जाते हैं, किसी ने आपकी तरफ देखा आप आहत हो गए, किसी ने मुस्कुराया आप आहत हो गए, क्योंकि बैठे थे आहत होने के लिए, चोट खाने के लिए। और जब आप अंदर से स्ट्रांग होते हैं तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो अंदर से स्ट्रांग होइए, फोकस्ड होइए, फिर तमाम चीज़ें फर्क नहीं डालती हैं। और जीवन की आकस्मिकताओं का हम स्वागत करें, आकस्मिकताओं का, देखिए हमारे यहाँ भी जो आप होते देख रहे होंगे लीला में, ये आम तौर से नहीं हो सकता कहीं, ये बार बार लोग भी कह रहे हैं, लोग भी देखेंगे, अचानक कोई आकर कहे ये गाना बजा दीजिए तो कहीं ये पॉसिबल नहीं है, हमारे यहाँ बस सकता है और नहीं भी बस सकता है, दोनों बातें हैं, मतलब कोई नियम नहीं है कि बजेगा ही, आज मूड था तो बज गया, कल को हो सकता है मैं कह देता अभी रखो बाद में करते हैं, ये कोई नियम नहीं है, लेकिन हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आकस्मिक है चीजें।
मैं तो कभी कभी बोलते बोलते बीच में रोक देता हूँ, आकस्मिक रुक गया। जिंदगी ऐसी, जिंदगी बीच में रुकती, कब जिंदगी पूरा फिनिशिंग टच देके रुकती? आज तक एक आदमी की जिंदगी पूरा फिनिशिंग टच देके नहीं रुकी, बीच में रुक जाती। तो जिस जिंदगी में सब कुछ बीच में रुकता हो, उस जिंदगी में आकस्मिकता से परेशान नहीं होना चाहिए, खुश रहना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए। और अपने सारे सहयात्रियों के लिए यही कंपैशन है, यही करुणा है कि हम इतनी जल्दी उत्तेजित नहीं होते किसी भी बात को। हम समझते हैं तमाम चीज़ें हो सकती हैं, कोई रोता है, कोई हंसता है, कोई परेशान होता है, तमाम चीज़ें हो सकती हैं। अब आप देखिए, राव जी इसकी जो फ्रेनिया का जिक्र कर रहे हैं, इतने शांत बैठे तीन दिन से, कैन यू इमेजिन? अभी आप किसी साइकेट्रिस्ट को बताइए स्किज़ोफ्रेनिया, कोई बिलीव ही नहीं करेगा, कोई बिलीव नहीं करेगा। बट इट इज पॉसिबिलिटी, होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं लाइफ में।